तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है चंदन जंतवाल। तो दोस्तों, एक नए दिन की शुरुआत करते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो चुका है तो आसमान पूरे बादलों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों, अभी भी जो मौसम है पूरा बना हुआ है। तो मुझे आज लगानी है दोस्तों गोभी। तो पहले बीन उपाड़ लेते हैं। और सुबह ही आज पिताजी ने खेत तैयार कर दिया था गोभी का। तो गोभी का जो बीन है तैयार हो चुका है लगाने के लिए। तो बारिश का ही इंतज़ार कर रहे थे हम लोग। तो दिन में थोड़ी बहुत बारिश हो चुकी है और कल शाम को भी एक बारिश हुई थी। तो दोस्तों, करते हैं, दिखाएंगे आपको मौसम कैसा है आज का। आप देख सकते हैं पूरे जो पहाड़ों में घने बादल आ गए हैं पूरे। तो एक बार हल्की फुल्की बारिश हो चुकी है, अभी 4:30 बजे के आसपास ये बारिश हुई थी। तो हमारा खेत सुबह तैयार हो गया था गोभी के लिए। तो पिताजी उपाड़ रहे हैं गोभी का बिनौड़। तो लगाते हैं, देखते हैं कितना लगता है। तो दोस्तों, ये है हमारा गोभी का बिनौड़ नीचे। तो पहले बीन उपाड़ते हैं और उसको लगाते हैं खेत में। तो अभी भी समय है दोस्तों, अभी शाम के अभी 5 बजे हैं। तो थोड़ा बहुत जितना भी है लगा देंगे उसको, और अगर नहीं होगा तो फिर पानी वानी भी देना पड़ेगा। तो मौसम तो पूरा बना ही हुआ है आसमान में, अगर शाम तक फिर बारिश हो जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट बिनौड़ उपाड़ना अब। तो इस तरफ लगा रखा है हमने गोभी का बीन। तो पौधा हो चुका है तैयार गोभी का। तो बहुत समय के बाद बारिश हुई है पहाड़ों में, तो बिनौड़ उपाड़ा जा रहा है आज। ये है गोभी हमारा, तो इसको लगाते हैं खेत में। तो दोस्तों, देखते हैं कुटेली भाना कहाँ है। कुटेली 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 यहाँ देखते हैं, यहाँ रखे हैं। एक ये रखा है, एक कुटेली, दो कुटेली। तो बिन उपाड़ दिया दोस्तों, इसमें डालते हैं पानी। चलो चलो तो चलते हैं खेत में। तो पिताजी ने उपाड़ दिया है बिनौड़, तो नीरज ने पकड़ लिया है बिनौड़ और मैंने पकड़ लिया है कुदाल। तो चलते हैं खेत में। तो ये है हमारा रास्ता। तो दोस्तों, सामने वाला खेत है हमारा, तो इसमें मैंने कर रखा है घेर बार। तो यहाँ पर लगा देते हैं। तो आजकल अभी बकरियाँ बंद नहीं कर रखी हैं लोगों ने, आप देख सकते हैं खेतों में बकरियाँ ही दिख जाएंगी आपको। तो ये देखो गाय बच्चियाँ भी नज़र आएंगी आप लोगों को। तो अभी घेरबंदी नहीं कर रखी है ये देखो। तो जब तक गाय बच्चा नहीं पकड़ेंगी तो कैसे लगाएंगे हम गोभी, ये देख लो। कौन आ रखा है मुंबई से? करण के पापा। तो करण के पापा आ रखे हैं। तो आज क्या बांट रहे हैं गांव में? चने। तो गांव से मुंबई से आ रखे हैं कुछ लोग और ये लड़के लोग बांट रहे हैं चने। तो आपको दिखाते हैं, अभी सार बंद नहीं हो रखी है दोस्तों। तो आजकल ही हो रखी है बारिश, तो कल परसों हुई थी बारिश, तो अभी थोड़ी शाम को और हो गई बारिश। तो इसी बारिश में थोड़ा बहुत जो मेरा खेत था सामने वाला, तो उसमें मुझे लगानी है गोभी। तो ये है खेत हमारा, तो इसमें मुझे लगानी है गोभी। तो चचा बैठे हैं यहाँ पे, तो चचा की बकरियाँ यहाँ चर रही है। तो अभी अभी सार बंद नहीं हो रखी है और आप देख सकते हैं ये हमारी सार है। तो अभी कुछ लोगों ने बाया नहीं है, तो अब बारिश होने के बाद अब करेंगे इसमें हल जुताई दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अभी बकरियाँ बंद नहीं कर रखी है, आप देख रहे हैं ये बकरियाँ चर रही हैं ये देखो। तो अब इसमें हम गोभी वोभी लगा देंगे, तो मिर्ची विर्ची, तो इसके बाद बकरियाँ अब जंगल की ओर जाएंगी। तो इस तरफ है हमारा जंगल, तो बाघ की डर की वजह से लोग नहीं ले जा रहे हैं, तो अभी खेतों में ही चढ़ा रहे हैं कुछ लोग बकरियाँ। दोस्तों, ये है हमारा खेत तैयार हो रखा है। नीरज, इसमें मत टेक। नीरज ऐसे मत टेक बेटा, ये गीला हो रखा है पूरा खेत, फिर टाइट हो जाएगा। साइड से चलो, साइड से चलो, चलो वो सामने से उधर से लगाएंगे गोभी, उधर से पूरा ऐसे लगाते हुए इधर को जाएंगे। तो दोस्तों, तो मैंने पकड़ लिया है कुदाल, तो अब लगाते हैं गोभी। तो समय भी हो चुका है दोस्तों, तो 5:15 हो चुके हैं, तो 1 घंटा बचा है, तो उसके बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरे होने से तक देखते हैं कितना लगाते हैं खेत में गोभी। तो स्टार्ट करते हैं अब। तो नीरज नाराज़ हो गया है, तो नीरज को भी चाहिए थी कुटेली। अरे बाप रे, अपने पापा को हाथ उठा रहा है। तो ऐसा लड़का आपको आज भी है तो ज़रा कमेंट बॉक्स में बता देना, पापा को मानने वाला लड़का। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं गोभी लगाना। तो समय भी ज़्यादा हो चुका है, तो खेत एकदम बढ़िया हो रखा है नमी, तो बारिश बढ़िया हो चुकी है। परसों भी बारिश हुई थी दोस्तों, आज भी बारिश हुई है। तो स्टार्ट करते हैं गोभी लगाना। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं गोभी को। ये गोभी का पेड़ एकदम नज़दीक से दिखा दे बेटा, ये देख। तो जो गोभी का पेड़ लगाते हैं इसमें ये होना ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है, चुप्पी। और ये जड़ भी देखना है, उसके बाद लगाएंगे इसको ऐसे। ये देखो, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया हो रखा है। और इसमें थोड़ा ऐसा ये भी करेंगे ना, देख लो, ये देख गोभी का पेड़ कितना बढ़िया हो रहा है ना। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम। तो सीज़न शुरू हो चुका है पहाड़ों में, तो मारा मारी हो चुकी है सबकी। अब तो 3 लाइन पकड़ के आगे को जाएंगे ना, ये वाला ज़्यादा ऊपर लगाना है क्या? तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं, मैं लगा रहा हूँ दोस्तों गोभी। नीरज भाई जरा उसको दिखाना। तो
तो मौसम पूरा घड़ 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 कर रहा है। आसमान अभी भी बना हुआ है, मौसम गर्माहट है, तो बारिश हो सकती है शाम तक। तो हम लगा रहे हैं गोभी। तो ये है देखो एकदम एकदम नज़दीक में ये। तो इतना खेत हमने लगा दिया है दोस्तों, पूरा खेत यहाँ से लेके तो पूरा खेत लगा दिया है दोस्तों इतना। तो इतना खेत हमने लगा दिया है, तो इतना अभी और बाकी है। तो हमने वहाँ ड्रम लगा दिया है, तो उसको पानी भी देना है। तो अभी शाम को बारिश का कोई भरोसा भी नहीं है, आसमान तो घड़म घड़म जैसा कर रहा है। अगर बारिश होगी तो बढ़िया है, पानी तो देना ही पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो शाम के अभी ही बजे हैं 6, कितना हो गया समय नीरज? अभी 6 बजने वाले हैं। 6 बजने वाले हैं दोस्तों, तो फटाफट लगाते हैं इसको। तो गाँव वाले आज पूरा ये देखो पूरा मौसम कैसा हो रखा है, पूरा मौसम ऐसा पूरा बना है, बारिश का मौसम बना हुआ है दोस्तों, कभी भी बारिश हो सकती है। तो आसमान कर रहा है घड़म घड़म करके। दीदी बोली है करके मुझे के नहीं दिखा रहे, अपने बाजी को दिखा रहे हो। तो दोस्तों एक बार फिर हो चुकी है बारिश स्टार्ट, आप देख सकते हैं। तो हमने इतना खेत लगा दिया है पूरा गोभी का, तो थोड़ा बहुत और बाकी है। तो देखते हैं, समय भी हो चुका है 6:30 बजने वाले हैं, तो अंधेरा होने वाला है दोस्तों। तो नीरज दे रहा है जितने हमने गोभी लगा दी थी, तो उसको दे रहा है पानी। आप आवाज़ सुन सकते हैं पूरा बादलों की आवाज़ घड़म घड़म करके। तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है एक बार से फिर से, तो देखते हैं कितना समय रहता है, लगाते हैं गोभी को। तो नीरज पूरा पानी दे देना सबके उसमें है, ठीक है? तो नीरज को मैंने ड्यूटी दे दी है, जितना मैंने पूरा खेत लगा रखा है इसमें पूरा पानी देना है। तो मैंने पोखर जैसे बना रखे हैं, तो ऊपर से हो रही है बारिश, देख सकते हैं पूरा मौसम अंधेरा जैसा हो गया है, अंधेर पट हो गया है। और मियाँ बीवी की झगड़ा भी हो जा रहा है गोभी के चक्कर में। फटाफट सर लघु सर लगा अदर भोर नहीं जा अपन मैथ, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ हो कि मज़े के लोगों तो नौकर छी मैं नौकर नीरज इसको भर के। हाँ तो मैंने घर से लगा रखा है पानी। बुबू से बोलो बंद कर दो। हाँ हाँ चल नीरज। तो नीरज को मैंने दे दी है ड्यूटी, तो जितना मैंने लगा रखा है गोभी सबको पानी देना है नीरज। हाँ ये आराम से इस तरह दे, ये गुड, पूरा पानी देना है बेटा। और पेड़ों में मत रखना है, और चप्पल खोल दे साइड से, पूरा गीला हो गया ना बेटा, चप्पल खोल दे, चप्पल यहाँ पर खोल दे और बिना चप्पल गिरे। हाँ तो इस तरह दे पूरा पानी। तो शाम का मौसम ऐसा है, आसमान में घने बादल और बादलों की आवाज़ सुन सकते हैं घड़म घड़म करके। तो बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, तो मुझे पूरा खेत लगाना है शाम तक। तो गोभी का बिनौड़ हो गया था दोस्तों ख़त्म, फिर ला गई है लताशा से, तो इतना और लगाना है, देखते हैं शाम तक पूरा लगाना है ये। तो स्टार्ट करते हैं, आप फटाफट लगा दोस्तों, हो या फटाफट बना चली फटाफट करें इसको, देख दीजिए राशि मौसम देख कौशे को बाप रे। तो दोस्तों समय भी हो चुका है 7:30 से ज़्यादा, तो मैं आ चुका हूँ खेत में से गोभी लगा के। तो पूरा खेत लगा दिया है दोस्तों, तो अभी भी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है फिर, तो पानी कल सुबह देंगे अगर बारिश होगी तो, ठीक है? तो मौसम एक तरफ से खुला है, एक तरफ से बादल लगे हैं दोस्तों। तो गोभी लगा के आ चुका हूँ मैं। तो आज की वीडियो को यहीं पर करते हैं विराम, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल पर, अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। बाय दोस्तों, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।